सीता जी आपको जीत मिली है, कैसे लग रहा है? ये लोकतंत्र की जीत है, चंडीगढ़ वासियों की जीत है, सच्चाई की जीत है और सभी हमारे इंडिया लाइंस की जीत है। तो उस दिन आपकी आंख में आंसू थे, आज खुशी नजर आ रही होगी? आज खुशी के आंसू है, उस टाइम वो जो थे बस उसके दुख के आंसू थे कि वो कैसे लोकतंत्र की हत्या कर। आप आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले मेयर हो, 2 साल पुरानी पार्टी आज मेयर बना चुकी है। मेयर तो पहले ही बन जाता है, धोखाधड़ी ना करते। पहली बार से लेकर अब तक मेयर हम बनते हैं, लेकिन आज लोकतंत्र की पक्की तरीके से जीत हुई है। मुझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हमेशा यकीन था कि वहाँ पर न्याय की जीत होगी। कुलदीप जी, इतना बड़ा संघर्ष, कुछ साथी साथ छोड़ गए, लेकिन आज खुशी मिली है? नहीं, साथी साथ नहीं छोड़ गए, वो साथ ही आएंगे, वो थोड़ा बैग गए हैं लेकिन वापस आएंगे। काम कैसे रहेगा, काम कैसे रहेगा, काम कैसे रहेगा? काम बिल्कुल सही रहेगा, जैसे आम आदमी पार्टी पंजाब से लेकर दिल्ली में काम कर रही है, उसी तर्ज पे चंडीगढ़ में भी विकास कार्य होंगे। खास तौर पे आपका था कि कूड़े के ढेर है उनको हटाया जाएगा, बाकी काम किए जाएंगे, तो एक बड़ी खुशी कि बीजेपी का मेयर एक महीना भी नहीं टिक पाया। बीजेपी का मेयर एक महीने तक भी टिक नहीं पाया? नहीं, वो झूठ का मेयर था ना, सच्चाई का मेयर नहीं था। अगर सच्चाई का मेयर होता तो बैठता। आज ये जीत जीत जो है, जश्न जो है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जीत है। हाँ, मुझे पूरा यकीन था, माननीय अदालत ने मुझे पूर्ण भरोसा था। तुसी देख सकते हो जिहड़ा मुंह मिठाएगा वो इस वक्त करवाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी दे जिहड़े नवे मेयर ने, आम आदमी पार्टी दे नवे मेयर कुलदीप टीटा दा मुंह मिठा जिहड़ा वो तुसी देख सकते हो, जिहड़ा इस वक्त सन्नी आलूवालिया दा मुंह मिठा करवाया जा रहा है। प्रभारी ने, आम आदमी पार्टी दे सह प्रभारी दे तौर ते काम कर रहे। एक्सक्लूसिव तस्वीरां सब तो पहला जुड़ गए अरविंद, मुझे लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास रच दिया, एक बहुत बड़ी नजीर उन तमाम अधिकारियों के लिए, उन तमाम चुनावों के लिए या कोई भी सरकारी काम जिसमें धांधली की जाती है, दोषी पाया है और इतना बड़ा फैसला सुना दिया, री इलेक्शन हुआ ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का इस मायने में, क्योंकि जब चुनाव हुए थे और अब जब स्थिति बदली थी तो चुनावी समीकरण बदल गए थे, लेकिन कोर्ट ने इस फैसले से साफ किया कि चुनावी समीकरण भले ही बदल गए हों, वहां पर जो वोटों का आंकड़ा है वो भले ही बदल गया हो, लेकिन जो रिजल्ट है वो नहीं बदलेगा। और कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि जो निर्वाचन अधिकारी की ओर से जो रिजल्ट घोषित किया गया था वो गलत था, कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। और कोर्ट ने अपने आप ये माना कि जो आप उम्मीदवार हैं वो इस चुनाव परिणाम में विजयी घोषित किए जाते हैं, वो मेयर पद पर निर्वाचित करार दिए जाते हैं कोर्ट की तरफ से ही। यहाँ पर कोर्ट ने अनिल मसीह को सो कोई नोटिस भी जारी किया है, उनसे पूछा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। जो महत्वपूर्ण बात रही वो ये कि कोर्ट ने देखा मतपत्रों को, और जिन 8 मतपत्रों को लेकर के विवाद था उनको खासतौर पर कोर्ट ने गौर से देखा। पूरी जो रिकॉर्डिंग थी वो पूरा वीडियो कोर्ट के सामने रखा गया और कोर्ट ने पाया कि जो 8 मतपत्र जिन पर अलग से निर्वाचन अधिकारी ने निशान बनाए हैं हस्ताक्षर के अलावा, वो 8 मतपत्र जिनको निर्वाचन अधिकारी ने इस बिना पर अमान्य करार दिया गया, उन 8 मतपत्रों में जो वोट डाला गया था वो आप उम्मीदवार को डाला गया था। और चूंकि 36 कुल वोट डाले गए थे, 35 पार्षद के, एक बीजेपी सांसद के, और उनमें से 8 चूंकि वोट अमान्य करार दिए गए थे, तो उस वक्त जो रिजल्ट घोषित किया गया था निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह की तरफ से, उसके मुताबिक बीजेपी के उम्मीदवार को 16 वोट मिल गए थे और जो आप पार्षद हैं, आप जो उम्मीदवार हैं, उनको 12 वोट दिए गए थे। लेकिन कोर्ट ने माना कि जो 8 मतपत्र खराब करार दिए गए अनिल मसीह की तरफ से, जो सफाई दी गई कि खराब थे इसलिए अलग से साइन बनाए, वो असल में वैलिड वोट थे, उनको कोर्ट ने खुद वैध माना। और कोर्ट ने इसी आधार पर कहा कि आप पार्षद को इस लिहाज से मुझे अरविंद ये बताइए कि अब अनिल मसीह के लिए कोर्ट ने क्या कहा है, अनिल मसीह के ऊपर क्या मुकदमा दर्ज होगा, क्या होगा, अनिल मसीह को लेकर क्या फैसला है कोर्ट का? देखिए, अनिल मसीह को कोर्ट ने माना है कि उन्होंने धांधली की है, धांधली का कोर्ट ने दोषी माना है। अनिल मसीह को कोर्ट ने माना है कि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में सफाई दी वो गलत थी, कोर्ट को उन्होंने मिसलीड करने की कोशिश की, उन्होंने जो सिग्नेचर के अलावा साइन किए वो नियमों का उल्लंघन है और जानबूझ करके उनकी तरफ से हरकत की गई, ऐसा नहीं किसी अनजाने में हरकत की गई, और ये हरकत इसलिए की गई ताकि आप उम्मीदवार को हराया जा सके। और अब कोर्ट ने कहा है कि जुडिशियल रजिस्ट्रार उनको सोकॉज नोटिस जारी करेंगे, 3 हफ्ते के अंदर जवाब देना होगा अनिल मसीह को और ये साफ करना होगा कि आखिर क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई
की जाए। अच्छा अब मुझे अरविंद ये बताइए कि इस तरीके का मामला, हालांकि मेरे याददाश्त में बहुत लंबे एक पत्रकारिता का मुझे अनुभव है, लेकिन ऐसा मेरे याददाश्त में नहीं हुआ कि कोई इस तरीके के चुनाव में इस खुलेआम इस तरीके से धांधली की गई हो, वो मामला कोर्ट में पहुंचा हो और इस तरीके से निरस्त हुआ हो नतीजा। तो ऐसा जो अधिकारी जिसको दोषी पाया गया, अब क्या उस पर FIR दर्ज होती है या किस तरह का मामला बनता है या चुनाव आयोग उस पर कोई एक्शन लेगा, अब आगे क्या, मैं ये समझना चाहती हूँ अगर आपको जानकारी हो तो। देखिए अभी अनिल मसीह को सफाई देनी होगी और अगर कोर्ट ये मानता है उनकी सफाई से संतुष्ट नहीं होता है तो उनको धांधली का दोषी बनाते हुए उन पर कार्रवाई की जा सकती है, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है जानबूझकर के चुनाव प्रक्रिया में धांधली। ठीक है अरविंद आप बने रहिए और इस समय